नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम डिस्कशन करेंगे साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस टाइप की वीडियो हमेशा डालता रहता हूं, फ्रॉड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी ऐसी वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी मुझे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आप अगर आपको मेरा कमेंट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप मुझे कमेंट करते हैं और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी या ट्विटर आईडी के ऊपर भी जाके कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे इनबॉक्स में जाके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे आप जो कमेंट करते हैं वो मुझे नहीं मिल पाते हैं या मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी आप वहाँ पे इनबॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी ईमेल आईडी है kapil aurora365, यही आईडी मेरी ट्विटर के ऊपर है, यही आईडी मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर है। तो आप दोनों में कहीं पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे आगे अपने केस के रिगार्डिंग जो भी आपको बात करनी है आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हैं। चलो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियो के, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साइबर क्राइम में ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए या ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जाना है, गूगल पे। गूगल के ऊपर जाके हमको सर्च करना है साइबर क्राइम .gov.in, साइबर क्राइम .gov.in, ये हमको अपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। और जब आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है साइबर क्राइम, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ हमारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर, फ्रॉड अगर आपके साथ हो चुका है तो उसकी आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे। तो इसके अंदर सबसे ऊपर आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइंड ए कंप्लेंट, और लेफ्ट साइड में ऑप्शन है लर्न अबाउट साइबर क्राइम। अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में जानना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है फाइल ए कंप्लेन। जैसे उसके ऊपर आपने क्लिक किया हमारे पास एक पेज हो गया, इसमें ऑप्शन आ गया, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट। ये पॉलिसी है साइबर क्राइम की साइट के ऊपर की, आपको अगर ये सारी पॉलिसी पढ़नी है तो आप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो और पढ़ने के बाद आप इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और जैसे आप ये एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा। इसके ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन चाइल्ड। अगर आप तो किसी औरत या बच्चे की साइबर क्राइम रिपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनके साथ कुछ आपको ऐसा आपत्तिजनक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, तो अगर आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, यानी कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, बैंक के थ्रू फ्रॉड हुआ है, या इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट के जरिए आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो आपको सेकंड नंबर पे क्लिक करना रहेगा रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। ये सब कुछ इस अदर साइबर क्राइम के अंदर जाता है। तो हम अगर सेकंड नंबर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी रहेगी। अगर आपने पहले कभी साइबर क्राइम पे आईडी नहीं बनाई है तो आपको इधर सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर, इस पे जाना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन के ऊपर एक एसएमएस आएगा, वो कोड आपको यहाँ पे ओटीपी में डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर सम, ये जो इन्होंने प्लस का ये दे रखा है आपको ये जमा करके यहाँ पे डालना है, 19+10=29, यहाँ पे आपको डाल के सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। तो अभी मेरी तो ऑलरेडी ईमेल आईडी बनी हुई है, तो मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ।
मैंने अपना सबसे ऊपर सिलेक्ट स्टेट में मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, जो मैंने आईडी बनाते समय मोबाइल नंबर डाला था। अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर अपना स्टेट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाली, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाला। अब इसके बाद मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने गेट ओटीपी पे क्लिक किया है, मेरे फ़ोन के ऊपर एक एसएमएस गया है ओटीपी कोड का। अब वो एसएमएस देख के मैं यहाँ पे अपना ओटीपी कोड में डालूँगा। यहाँ पे मैंने और इसके बाद अब सम करेंगे। और यहाँ पे नीचे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे अब हमारे पास यहाँ पे आईडी लॉगिन हो जाएगी हमारी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद तुरंत आपका ऐसा पेज आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, आपको अपनी कंप्लेन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आप जैसे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, हैकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, जितने भी सारे ऑप्शन आ गए हैं। इन ऑप्शन के अंदर आपको एक अपना जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके साथ सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉड हुआ है, यानी कि किसी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया उनके ऊपर आप उसने फ्रॉड बंदे ने आपको लिंक भेजा और आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करते उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपके बैंक से पैसे निकाले या आपको और किसी तरीके से फ्रॉड किया, तो आप उस पर ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपके साथ किसी ने बैंक से पैसे निकाले हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे निकाले हैं, तो आप ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपको नीचे सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं, आपको अपने हिसाब से आपको जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। तो अभी यह हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेकंड है सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। चीटिंग मतलब ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे हम कि हमारा किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो हम यहाँ पे सेकंड ये सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का। हमारे साथ जॉब फ्रॉड के नाम से फ्रॉड हुआ है, हमारे पास किसी ने ईमेल आईडी भेजी और ईमेल आईडी के ऊपर लिंक भेजा, लिंक के ऊपर हमने क्लिक किया और उसने हमें जॉब का झांसा दिया कि वो हमें जॉब प्रोवाइड करेगा, और हमने लिंक पे जैसे ही क्लिक किया उसने हमारे साथ अकाउंट में जितने पैसे थे सारे निकाल लिए। या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग आपको उस टाइम जॉब का झांसा दे देते हैं और बाद में बोल देते हैं हमारे पास कोई जॉब नहीं है और आपको इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। आजकल बहुत लोग अलग अलग तरीकों से लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तो आपको अपना तरीका सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने आज ये सेलेक्ट किया ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के रिगार्डिंग हमें फ्रॉड हुआ। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपने नीचे डेट सेलेक्ट करनी है कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है ये कौन सी तारीख को फ्रॉड हुआ है। तो हम एग्जांपल के तौर के ऊपर आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैं आपको बताने के लिए कि जो ये फ्रॉड की साइबर क्राइम के ऊपर कंप्लेंट कैसे करते हैं। तो अभी आज के लिए डेट के अंदर मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आपको यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, यानी कि आज हुआ है तो आपको आज की सेलेक्ट करनी है। जिस भी दिन आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस दिन की सेलेक्ट करनी है, या आपको अगर पहले की किसी दिन कंप्लेंट हुआ, आज से एक हफ्ता पहले या दो तीन दिन पहले जब भी कंप्लेंट हुआ आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है। तो अभी मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ, जो भी आपको वो टाइम डालना है जिस टाइम आपके साथ फ्रॉड हुआ हो। अगर आपको टाइम याद है तो आप टाइम डाल दीजिए, आपको उस एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो अगर आपको याद नहीं है तो आप आसपास भी टाइम डाल सकते हैं जिस भी टाइम आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद अगला ऑप्शन है इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। आप जो ये कंप्लेन कर रहे हैं उसमें आपने कोई देरी तो नहीं की है, यानी कि अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आज ही हुआ है या आज से कई दिन पहले हुआ है। अगर आपसे आज से कई दिन पहले या कुछ दिन पहले हुआ है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और अगर आपका आज ही हुआ है तो आपको नो पे क्लिक करना है, और अगर आपका आज से कई दिन पहले हुआ है तो आपको यस करके यहाँ पे नीचे रिपोर्ट फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, यहाँ पे आपको रीजन देना है कि क्यों आप इतने दिन बाद
यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपके पास आज ही हुआ है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, और जैसे नो पे क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आ रहा है वेयर डिड द इंसिडेंट ओकर, ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है ये ऑनलाइन साइट के ऊपर किस सोशल मीडिया पे आपका हुआ है, ईमेल के थ्रू हुआ है या किसी ने फेसबुक के जरिए आपको फ्रॉड किया है, इंस्टाग्राम के जरिए किया है, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से आप जिस भी तरीके से आपके साथ हुआ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम ईमेल आईडी सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ईमेल आईडी के ऊपर किसी ने मेल भेजा, मेल के ऊपर लिंक भेजा, हमने लिंक पे क्लिक किया और उसके थ्रू किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम जिस भी बंदे ने हमारे पास ईमेल आईडी भेजी थी उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम डाल देते हैं टेस्ट टेस्ट। मान लीजिए आपके पास उस बंदे की ईमेल आईडी है जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे आपको उसकी ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट उसके बाद ऑप्शन है सपोर्टिंग एविडेंस अपलोड मीडिया इमेज। तो अगर आपके पास उसका कोई फोटो है, यानी कि उसने आपको मेल भेजा या फोटो भेजी या उसके पास आपके पास उसकी कोई फोटो है, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, इमेज में भी आप अपलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके साथ ईमेल के जरिए फ्रॉड नहीं हुआ, फेसबुक के जरिए हुआ है, इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप किसी भी जरिए हुआ है, तो आपको अपना मान लीजिए अगर आपके साथ फेसबुक के जरिए हुआ है तो यहाँ पर आप फेसबुक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस बंदे की ईमेल आईडी डालेंगे, सॉरी ईमेल आईडी नहीं फेसबुक आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, फेसबुक आईडी और यूआरएल। तो आपके पास फेसबुक के जरिए हुआ था फेसबुक की यहाँ पे आईडी डालेंगे, अगर आपके पास व्हाट्सएप पे के जरूर व्हाट्सएप के जरिए हुआ है फ्रॉड तो आप यहाँ पे आप उसका व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, और इसके बाद आपको आगे इमेज सेलेक्ट करनी है, कोई आपके पास कोई ऐसी इमेज पड़ी है एविडेंस आपके पास कुछ रखा है तो यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है। तो अभी हम यहाँ ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं और ईमेल के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे एविडेंस के रूप में हम यहाँ पे हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो इमेज आपके पास वो रखी हो, जो यानी कि एविडेंस के रूप में आपके पास हो, जैसे कि जो मेल आपके पास आया हो या फिर कोई अन मैसेज आया हो और जिसके तरीके आपके पास फ्रॉड हुआ है, वो इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे ये इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। आपके पास कोई जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो फ्रॉड हुआ वो किस तरीके से हुआ, कैसे उसने आपको पहले मैसेज भेजा, फिर उसने आपको बोला लिंक के ऊपर क्लिक कर, या उसने बाद में क्या मोबाइल नंबर आपको अपलोड दिया, जो भी आपके पास इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड आपके पास जो भी है सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है, और डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है सेव एज ड्राफ्ट एज नेक्स्ट। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये ओपन होगा सस्पेक्ट डिटेल। तो जो भी फ्रॉड बंदा था जिसने आपके साथ फ्रॉड किया यहाँ पे उसकी डिटेल मांगी जा रही है, तो अगर आपको उसका नाम पता है जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है, और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट का, इसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे कि अगर आपके पास क्या उसका बैंक अकाउंट है या ड्राइविंग लाइसेंस है या ईमेल आईडी, इनमें से जो भी कुछ है आपके पास पैन कार्ड वोटर आधार कार्ड कुछ भी मोबाइल नंबर जो भी आपके पास उसका जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है वहाँ वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास आपने उसका मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है, या फिर आपने उसकी कोई यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, अगर आपके आपके पास उसका कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ईमेल आईडी आ गई, ईमेल आईडी आपको डालना है, और वहाँ पे लास्ट में जाके आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। और यदि आपके पास जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उसके पास अगर आप उसकी आपके पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं है, ना आपको उसका नाम पता है, ईमेल आईडी, अगर आपको उसका कुछ भी नहीं पता तो आप इसको छोड़ दीजिए, और फिर प्लीज अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट। जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है उसकी आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह है तो आप यहाँ पे भी वो अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट। तो क्या आपके पास जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है उस बंदे का एड्रेस, उस बंदे का पता आपके पास है तो आपको येस पे क्लिक करना है, और उस बंदे का यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे आपको उसमें जो भी बंदे ने आपका फ्रॉड किया है उसका एड्रेस है तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए, और अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे और इसके ऊपर नो पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन है सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, कंप्लेंट विक्टिम डिटेल्स, आपकी डिटेल क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी।
और सेकंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आपकी डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, मेल, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपका फादर या मदर नेम। आपको अगर नहीं डिटेल यहाँ पे आ रही है तो आपको अपने आप सेलेक्ट करना है फादर या मदर, जिसका भी आपको सेलेक्ट करना है, फादर मदर या स्पाउस में आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद रिलेशन विद द विक्टिम, यदि आप अपने लिए ही ये कंप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ में सेलेक्ट करना है, और नहीं तो अगर आप अपने पापा मम्मी या फिर भाई या किसी दोस्त जिसकी भी ये कंप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसके अंदर उसका नाम या उसका सेलेक्ट करना है यहाँ पे। यानी कि अगर आप अपने लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको सन सेलेक्ट करना है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। और ईमेल आईडी, प्लीज अपलोड एनी नेशनल आईडी विक्टम, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आई, वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपना अपलोड करना है। आपको डॉक्यूमेंट में आप कोई भी नेशनल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपकी एक नेशनल आईडी है वो यहाँ पे आपको अपना अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, यहाँ पे अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, प्लीज चूज नेशनलिटी, कंप्लीमेंट विक्टिम एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पूरा एड्रेस। और पूरा एड्रेस डालने के बाद अगला ऑप्शन है सेव एज प्रीव्यू, तो आपको इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपने जो डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आपके पास आ गई है, तो आपको ये डिटेल पढ़ लेनी है, आपको अच्छे से ये डिटेल पढ़नी है, कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी है या फिर आपने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया है। तो अगर आपको ये अच्छे से पूरा पढ़ना है, किस टाइम आपको हुआ, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और यहाँ पे आपने क्या क्या अबाउट में डाला है, ये सब कुछ आपकी पूरी डिटेल आ गई है यहाँ पे, आपको पूरी डिटेल अपनी पढ़नी है। और उसके बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आई एग्री, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म है सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी ये ऑनलाइन कंप्लेन साइबर क्राइम के पास चली जाएगी। तो यही तरीका था ऑनलाइन साइबर क्राइम को कंप्लेन करने का, ऑनलाइन कंप्लेन ऐसी तरीके से करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दबा के शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप अनलाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर आपको जो भी किस रीजन से अच्छी नहीं लगी आपको कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप मुझे मेरी गलती नहीं बताएंगे तो मैं उसको सुधारूंगा कैसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अगली नई नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।